तहकीकात में कोबरा पोस्ट रिपोर्टर की मुलाकात एक और दलाल राजेंद्र प्रसाद यादव से हुई। राजेंद्र प्रसाद यादव ने हमारी मुलाकात समाजवादी पार्टी के स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी के सदस्य राम प्रकाश यादव से कराई। राम प्रकाश यादव ने जिस तरह रिपोर्टर से बात की उससे ये साफ पता चलता है कि भर्ती में हो रहे घोटालों में इसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है। राम प्रकाश रिपोर्टर से सवाल करते हैं, मान लीजिए 12 ही करवा देते हैं तब क्या खर्च करेंगे? जी चाचा जी से बात होती है हमारी। अभी ग्राम विकास अधिकारी का जो पोस्ट निकला हुआ है तो उसमें हमारे पास 12 केसेज हमने उठा लिए। ग्राम विकास अधिकारी उसी में आता है, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी वही है। हाँ बिल्कुल, हाँ तीन, हाँ उसी ग्राम विकास दूसरा होता है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत सबसे आप बात कर रहे हैं, आपको दोनों एक लगता है? नहीं थे उनका जो डिपार्टमेंट सेक्रेटरी वाले से, बलराम यादव जी वाले से। हाँ गोप वाले से, अरविंद कुमार गोप जिनके राज्य मंत्री ग्राम विकास अधिकारी है। जिले कितना जगह इसमें है? इसमें 3000 पोस्ट है। 3000 तो उसमें है, इसमें भी 3000 है, 3200 के 3200 के आसपास है। तो इसमें हम 12 केसेज हमने उठाए हुए हैं। ठीक है, तो हमारी इनसे बात हो गई तो अब बताइए अगर हो जाता है उसमें से कुछ केसेज आप करवा दीजिए तो मेहरबानी होगी। तो जब 12 हो करा देते बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। क्या क्या खर्च करें आप जैसे कहें? राम प्रकाश यादव बिना किसी हिचक के रिपोर्टर को बता देते हैं कि अगर वो 12 लोगों को नौकरी दिलाते हैं तो उसके एवज में वो क्या लेंगे। उनका कहना है 10 तो देखो हो गए ही। वह आगे कहते हैं जो जहां पैसा जमा होता है वहां आप करवा दीजिए, 5 लाख पहले जमा होगा, 5 लाख होने के बाद होगा, इसकी व्यवस्था आप बना लो। हमने तो 12-13 के हिसाब से उठाया हुआ है, 12-13 लाख रुपये पर कैंडिडेट। और मैं चाहूँगा कि आपको भी कुछ 2 पैसे बचे और काम भी हो जाए और हमें भी कुछ बच जाए। 10 तो जमा हो गया। अच्छा, मतलब 10 लाख रुपये जमा हो जाए मंत्री के पास, बल्लम यादव जी के पास। अच्छा, अच्छा शिवपाल जी के पास चला गया। अरे नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं। अच्छा तो हो जाएगा ना। अच्छा दूसरी चीज़ ये बताइए सर कि नहीं हुआ तो होगा। अच्छा लोक सभा चुनाव के बाद होगी, मामे तो कोई बता रहा था कि 15 तारीख के बाद कॉल लेटर जा रहा है। 12th में सब कुछ ठीक ठाक। हाँ होगा तो कॉल लेटर जाएगा। नहीं फर्स्ट डिवीजन है सब। हाँ अच्छा 2-2.5 हजार लड़कों का पैसा जमा भी हो चुका है। वही लिस्ट तो हम उनसे बात कर रहे थे कि उस लिस्ट में नाम डलवाना है, हमको कोई कह रहा था भैया तो उसी में लिस्ट में नाम डलवाना है। और नहीं हुआ तो फिर कैसे क्या हुआ पैसे का? नहीं होने तो कोई बात नहीं रही। अच्छा तो आप दिमाग से निकालिए, हो रहा है। अच्छा जमा हो रहा है तो सिस्टम बनवाना है, तो चीज़ें आपसे कह दिए आप जमा कर, तो आप पैसा तो आप ही कहाँ रहेगा ना जब तक हो रहा है। अच्छा अच्छा, पैसा आप ही लोगों के पास रहेगा मतलब। राम प्रकाश यादव रिपोर्टर को यह भी बताते हैं कि उसमें पैसा किस व्यक्ति को सौंपना है। साथ में वह अपने कमीशन की बात भी कहना नहीं भूलते हैं। वो कहते हैं बाकी ऊपर जो कर लीजिए, 3 लोग हैं ना हम लोग भाई, इनको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, 3 क्या 4, पाठक जी को भी कुछ देना पड़ेगा भाई, गारंटर तो वही है। मंत्री को पता है कि पैसा आपके पास है लेकिन सिक्योरिटी है।
पाठक जी नेता हैं, नेता जी हैं, अच्छा अच्छा कुछ जी राइस मिल चलाते तो 10 लाख तो वहाँ जमा हो जाएगा, बाकी ऊपर क्या करना होगा? ऊपर जो कर लीजिए 3 लोग रहे हम तो इनको भी कुछ चाहिए, आपको भी चाहिए, इनके चार है पाटिल जी को भी दे रहा है, पड़ेगा 7 लाख, गारंटर तो वही है, अच्छा पैसे गारंटी तो उसी को ना बताए कौन पाठक जी जमा हो रहा है, तो उसे वसूल लेंगे। 60 लाख दिया, 60 लाख वापस करो, उसको भी कुछ देना पड़ेगा। 4 लोग जमा लीजिए, पुलिस की भर्ती में 100 लड़कों के लिए आइएगा तो भी 100-200 हो जाएगा। अरे सर, राम प्रकाश यादव की माने तो ग्राम विकास अधिकारी के 3200 में से 2500 पदों की भर्ती के लिए पैसे लिए जा चुके हैं। मौजूदा सरकार में राम प्रकाश यादव की पहुंच उनके इस दावे से पता चलती है जब वो कहते हैं पुलिस की भर्ती में 100 लोगों को भी ले आइएगा तो भी करा देंगे 100-200। अच्छा बात है कि हम बेइज्जती होती है ना, हम हाथ नहीं डालते जल्दी देता जी उनको दूर में हम, इसीलिए तो मैं भी चाचा जी कह के चाचा जी पे भरोसा है। एक्चुअली हुआ क्या था, मुझे किसी ने बुलाया था, एक यादव जी हैं फैजाबाद, तो बुलाया कि आपका काम हम बलराम जी से मिलवा देंगे, दिल्ली में हमारी किसी परिचित की तरह उनसे मुलाकात हुई, उनके कहने पे हमने काम उठा लिया। अब वो यहाँ आया, मैं आया हूँ एक दिन, वो मुझे मिला, उसके बाद मुझे मिला ही नहीं। अच्छा एक केस पे 7 लाख और हो जाएगा, ठीक है देखते हैं इसमें कुछ मिल जाएगा तुम्हारा, काम तो बहुत है हमारे पास, उनको मैंने बताया है, लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि एक हो जाए निपट जाए। चलिए हम इसको कल जो है फाइनल करके बता देंगे कि इसकी प्रक्रिया क्या है। अच्छा अच्छा ठीक है, कल हम आपको डिटेल बता देंगे, इधर होना है। अच्छा अच्छा, तो अपना व्यवस्था करके इधर जमा करा, लिस्ट में नाम भिजवा देंगे, ठीक लिस्ट में नाम चला गया तो क्या पैसा जमा कर दीजिए। अच्छा, आपकी PRO कंफर्म कर लेना, DM से कंफर्म कर लेना, बढ़िया भिजवा देना, ठीक है बढ़िया। बढ़िया, 5 को पहले देना पड़ेगा तो नाम जाएगा, मतलब 5 देना पड़ेगा नाम जाने के लिए। आप ये बताइए, अगर मतलब हम लोग चलो सक्षम है तो दे देते हैं, कोई अगर ये पोस्ट तो मतलब तो बहुत ही गरीब लोग हैं, अगर वो लोग कहाँ से नौकरी कैसे ले पाए। राम प्रकाश यादव राज्य में सरकारी सेवाओं में चल रही धांधलियों के बारे में खुलासे पर खुलासा कर रहे हैं। उनकी बात मानी जाए तो इस भर्ती के लिए पैसे लेने के बावजूद 440 लड़कों का नाम लिस्ट में से काट दिया गया है। जैसा यहाँ एजेंसी होगी तो उसका पता है, ग्राम पंचायत अच्छा मैं ही कुछ ले आया था बलराम जी के लिए, कुछ पैसा कम दिए थे बलराम जी, पैसा अच्छा शिवाल जी को पैसा कम दिए थे। अंबिका चौधरी ने जो मंत्री है कैबिनेट मंत्री, अच्छा हटा दिए गए, अच्छा अच्छा तो पैसा सब उठाया, सब लोग
अच्छा आप ही लोग जाके उठा के ले आए। 2400 कुछ घर को पैसा है जमा किए थे। अच्छा 2400 रुपया कर दिए। ओ मतलब मुलायम सिंह जी को पार्टी को पार्टी को तो वो तो बेचारा वो मारा गया जो बच्चे पैसे दिए थे। ये तो फिर गलत हुआ ना। ये तो गलत शिपाल जी ने गलत कहा करे। ये सब हो गया अपना चट्टा। तो हम कहा थे उधर उसने कहा कि 440 का भी दूर काट सकते हैं। तो लिस्ट से 440 नाम काट दिया। अच्छा हिसाब पूरा गया।